जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम बाहर जा रहे हैं बाजार में। और कल क्या हुआ था, कल हम जब बाहर से आए, सामान मतलब अपने थैले देकर बाहर से आ रहे थे, तो ये एक हमारा जो खुद का थैला था वो ये भूल गई, जिस थैले में कुछ पैसा, कुछ फल वगैरह और कुछ सामान था घर का, और पैसे भी बहुत सारे थे। जो पैसे थे जो वहाँ मिले वो उसी थैले में थे, तो ये वो कहीं तो भी बस में भूल गई। गवर्नमेंट की बस जो BST की बस रहती उसमें आ रहे थे, ST की बस, तो महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल जिसको बोलते हैं, और उसमें वो शायद थैला रह गया, या पता नहीं कहाँ रह गया, क्या है क्या नहीं। तो अभी हम उसके लिए बाहर जा रहे हैं और अभी देखते हैं कि वो थैला मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है। हमने कल वैसे डेपो में कंप्लेन कर दिया था, अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी हमने यहाँ का सब कुछ निपट लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर ST डेपो, और थोड़ा बाहर भी देखते हैं कहाँ है, क्या मिलता है क्या नहीं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू। तो दोस्तों, अभी हम लोग बस स्टैंड गए थे, बस स्टैंड में वहाँ पता लगाए कि हमारा वो पर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बैग बोले तो थैला, उसमें पर्स थैला सब कुछ है, मिलेगा कि नहीं। तो अंकल ने कहा कि नहीं, आपको मिल जाएगा। हमने कंप्लेन किया, कहाँ पर कंप्लेन किए थे, डिपो में। और कितना बोला, कितना टाइम तक, 4 बजे, 4 बजे तक हम लोग को मिल जाएगी। तो वहाँ पर रहे, फिर 1-2 घंटा उधर उधर घूमे, उसके बाद मंदिर भी आ गए और मंदिर में पूजा भी कर लिए, और आज हमारे गणेश जी का पूजा भी हो गया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने एरिया तरफ, बोले तो अपने प्लॉट की तरफ, काम चालू। और वहाँ पर भी स्पेशल कुछ है, वो भी हम आपको दिखाऊंगे। और दोस्तों यहाँ पर और एक बननी मुझे बोलने दीजिए दोस्तों, अगर आप लोग का ऐसे बस में अगर कुछ खो जाता है, वो गवर्नमेंट वाला हो, तो आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्लेन करने का रहता है, वहाँ पर कंप्लेन कीजिएगा और उसके बाद आप प्रोसेस बताइए, गाड़ी नंबर वगैरह सब पता रहे, डिपो में जाके कंप्लेन कीजिए, तो वो जो भी कंडक्टर ड्राइवर रहेगा उस बस का, वो आपको वो चीज़ दे देगा। और हमारे YouTube फैमिली से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लाट जहाँ काम चालू है, वहाँ बिच्छू बहुत निकल रहे हैं, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। कुछ ऐसा पौधा, पेड़ या कुछ, या भी ऐसा भी कुछ लगाए जिसमें बिच्छू ना, या कोई औषध जिससे बिच्छू ना निकले। हम लोग घर पहुंच गए और डबकी लेके गए थे ताकि पानी भी आ जाए बाहर, मतलब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेके निकलते हैं ताकि काम। तो दोस्तों अभी आए, फिर से बैग उठा के उधर भी जाना है, अभी 3 बज रहे हैं, और उधर थैला लेने भी जाना है। अभी स्पेशली शरबत हम लोग पी लिए, धूप बहुत ज्यादा। दोस्तों धूप सबसे ज्यादा इनको लगती है, देखो गमछा टोपी दुपट्टा, और मैं तो ऐसे झूठ बोल रहे, ये भी एकदम पूरा चश्मा गमछा टोपी वही पूछ रही हूँ कहाँ रखे, चस्का गया। अरे इसीलिए आप अच्छे नहीं लग रहे। अब चलो दोस्तों, बस मिलते हैं आपसे तुरंत, कंटिन्यू। आपने शरबत पिया ना जी? बिल्कुल। कितना ग्लास? 3 ग्लास। मैं सुनने के लिए ही बोली। दोस्तों मैं अपने प्लॉट में बैठी हुई हूँ और मेरे गणेश जी अभी गए थे वो बैग लाने के लिए, थैला लाने के लिए, और इधर से चुरमुरा के आए, बोले तो गिर के आए। हंस क्यों रहे? चुरमुरा के गिर के आए ना। और जहाँ हमारे इधर क्या है ना, ये सब कांटा बहुत है, मैं दिखाती बैग करके, ये सब कांटा बहुत है। तो वही मैं इनको पिन लेके पहले निकालने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में नहीं था, वो अंदर में था, तो अंदर में था। और हम लोग बचपन में, मेरी मम्मी बोलती है, मैं आपको दिखा, इसको बहुत कोई जहर बोलते हैं कि आँख में नहीं जाना चाहिए, आँख में जाने से असर होता है, अंधापन ऐसे कुछ। लेकिन दोस्तों अगर आपके हाथ या पैर में अगर कांटा घुस जाए, तो थोड़ा सा उनका रास्ता हल्का सा करके, उसके बाद अगर ये दूध दे दीजिएगा 5 मिनट के लिए, छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके घुस कीजिएगा, तो अपने आप कांटा निकल जाती है। ये हमारा पुराना, हमारे गांव की फॉर्मूला है, जो मम्मी हमेशा हम लोग को बताती थी और हम लोग करते थे। तो वही इधर देख सकते हैं, उसमें हम ये दूध भी लगाए हैं, लेकिन ये क्या किया देखिए, अब निकल रहा है। इसको ऐसे दाबिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे दाबिएगा, अपने आप कांटा निकलेगा, समझे? वो दूध लगाने के बाद 5 मिनट के बाद, समझे आप? खून निकाल के ये का किया,
हा? काटा निकाला, काटा ऊपर में ही है, बस ऐसे ऐसे दबाना है तो नहीं आ रहा ना बाहर। मैं निकाल दूं? छूने छूने तो दे नहीं रहे हो। निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, भाग रहे हैं। अब और तो सर ऐसे ऐसे कर ऐसे बस की नहीं बन रही। निकल डोसा ऐसे थोड़ा है जी। तो दोस्तों आज देखिए मेरी गणेश जी का रिएक्शन, काटा निकालते निकालते बेचारा रो लिया। निकला क्या? निकलेगा ना। और दोस्तों बहुत दिन से मैं अपना घर नहीं दिखाई हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कितना दूर तक बना है, और साथ में ये भी दिखाती हूँ कि भैया का घर कितना दूर तक बना है ना जी। चलिए कंटिन्यू रहिए। फिलहाल तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। फिलहाल हमारे गणेश जी का गाड़ी हो गया पंचर, अभी स्कूटी को हवा भराएंगे फिर आप लोग से मिलेंगे। ये किचन है इतना मस्त है कि क्या बोलूं, मुझे देख के लग रहा है कि मैं आप लोग को बैक कर रहा हूँ। दोस्तों अंकल हमें बारीकी से बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे किचन को अगर आप अच्छा से रखना चाहते हो या फिर अच्छा बनाना चाहते हो तो ऐसे डेकोरेट किया जाता है, इसको यहाँ पर लगाना चाहिए, इसको यहाँ पर लगाना चाहिए, सब कुछ बारीकी से बता रहे हैं। हम लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि किचन का अगर अच्छा से बनाया जाए तो ऐसे ही बनाने से अच्छा रहता, रूम भी खुलता। और ये किचन जो है काफ़ी बड़ा है, जैसे बेडरूम जैसा, जैसे दो महिलाएं या तीन महिलाएं एक साथ आराम से खाना बना सकते हैं। और ये जो किचन का ऊपर का लुक है, लाइटिंग का जो काम है वो एकदम सुपर है, जो हमें बहुत पसंद आया। अंडे वंडे कपड़ा खींचने का हाँ अच्छा है ना। हाँ कपड़े दोस्तों ये है बेडरूम जो अंकल बता रहे हैं कि ये बेडरूम है, और मुझे भी बहुत पसंद आया ये बेडरूम। साथ में लैटरिन भी टच है, लैटरिन बाथरूम दोनों टच है। और इस रूम का भी डेकोरेट इतना सुपर है, इतना सुपर कि क्या बोले। अटैच और एक रूम है जिसमें लैटरिन बाथरूम उसमें भी अटैच है, वो भी इन्हीं सेम टू सेम। ये ठीक आपका परफेक्ट तो ये रूम तो मुझे सुपर लगा। एक्चुअली ये रूम नहीं है, ये हॉल है, और इतना सुंदर बारीकी से इसका भी डिजाइन कर रहे हैं कि क्या बोला। ऊपर में झालर लगाने का है, झूमर जिसको बोलते हैं, इतने अच्छे झूमर भी डेकोरेट हो जाएगा तो ये रूम इतना मस्त लगेगा कि क्या बोले। पता नहीं, हम लोग में गुड न्यूज सुना दूं कि हमारा जो झोला था वो मिल चुका है, और मुझे मेरे प्लॉट में छोड़ के मेरे गणेश जी गए थे लेने के लिए, जो कि थोड़ा गिर पड़ के भी आए हैं। चोट में अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मैंने दिखा, काटा वटा निकाल लगा था, हाथ में भी लगा है, रेड रेड हुआ था इधर यहाँ पे। क्या हुआ, कैसा हुआ कि बस स्टैंड में मैं गया, बस स्टैंड पे डिपो मैनेजर का फोन आया और हमारी जो थैली थी वो थैली हमको सुरक्षित मिल गई। और जब मैं वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में वो गाड़ी थोड़ी सी बैलेंस होने से अनबैलेंस मैं एक साइड में गिरा, तो रास्ते में काटे एक दो थोड़े लग गए। तो फाइनली सबसे अच्छी चीज़ अच्छी बात ये है कि हमको हमारा थैला मिल गया, हमको थैला मिल चुका जो हमारा खो गया था। और हमारे थैले में ये पानी का बोतल, पानी की बोतल थी, ये थी दो बॉटल पानी, केला जो बहुत ही सड़ गया फल, था फल थे जो खराब हो गए थे, और जो ये कुछ पैसा रखा था ये भी। और ये हमारी वसूली की पैसा है, नीचे करके दिखा सकते हैं। हाँ, दिखाए ना। तो ये हमारा सब कुछ मिल चुका है। तो दोस्तों आपने देखा भैया का भी घर कंप्लीट हो चुका है, पता नहीं हमारा घर कब बनेगा। भैया ने इतना मेहनत से वो घर बनाया, इतना मेहनत से उन्हें घर बनाया कि देख के लग रहा है काश हम लोग भी ऐसा बना पाते। सभी लोग मेहनत से ही बनाते हैं, मैं भी मेहनत से ही बना रहा हूँ, और हमारा भी घर जल्द ही कम्प्लीट हो जाएगा। जल्दी बस। तो दोस्तों वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट, इतना प्यार और इतना सुंदर सुंदर कमेंट, और आप सबका इतना प्यार मिलने से हम तो बस गदगद हो गए, कृतज्ञ हो गए आप लोग। बिल्कुल। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारा भी प्यार का महल जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और आप इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।